आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोई WhatsApp पर मैसेज करता है तो यहाँ पर आपका मैसेज इस तरह से शो होता है स्क्रीन पर, चाहे आपकी स्क्रीन लॉक हो या फिर अनलॉक हो, तो यहाँ पर ये कैसे बंद कर सकते हैं जिससे कि कोई मैसेज आए वो यहाँ पर स्क्रीन पर शो ना हो। तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में WhatsApp को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको राइट साइड यहाँ पर तीन डॉट दिखेंगे, आपको टच करना है इन पर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, तो इस लास्ट ऑप्शन पर टच करिए, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर नोटिफिकेशंस का, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस पर टच करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पॉपअप नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको इस पर टच करना है, और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन नो पॉपअप पर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने एक मैसेज करा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी लॉक स्क्रीन पर नहीं आया है, और यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप में ये मैसेज आ गया है। तो इस तरह से आप अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।